दोस्तों हालांकि अपने देश में जितनी भी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं लगभग 450 के आसपास ये यूनिवर्सिटीज हैं, और इन सभी यूनिवर्सिटीज में से सभी यूनिवर्सिटी को अगर आप देखते हो बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास नैक एक्रेडिटेशन का A+ मिला हुआ है। मतलब नैक एक्रेडिटेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ए तक नहीं है, A+ की तो बात की बात है। या तो यूनिवर्सिटीज A+ हो नैक में, या फिर यूनिवर्सिटी का NIRF रैंकिंग बिलो 100 हो। दोनों ही तरह की यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज करा सकती हैं। अब बात यह आती है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज के पास नैक A+ है, और साथ में ही कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्सेज कराती हैं। हालांकि ऑनलाइन पर यह वीडियो नहीं है, आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी को आप UGC पर कैसे चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब और वाइस चांसलर साहब उनकी डिटेल्स आप कहाँ चेक करोगे, और भी जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है ऑनलाइन पर, हम एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ऑनलाइन पर ही चर्चा करेंगे। बट आज अपने इस वीडियो के माध्यम से अप्रूवल्स, कोर्सेज, यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट, साथ में ही UGC पर यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक करती है, और भी कई सारी चीजों पर डिस्कस हम करने वाले हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि देखा जाए तो राजस्थान में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो चलती हैं, एडमिशंस लेती हैं, उन सभी में से बहुत सारी हमने यूनिवर्सिटीज पर वीडियो बनाया है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज को आप सर्च करोगे हमारे इस चैनल पर, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को हमने कवर किया है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, क्योंकि नैक एक्रेडिटेशन का A+ इस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, नैक एक्रेडिटेड A+ है यूनिवर्सिटी के पास, इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज भी कराती है। किसी भी यूनिवर्सिटी को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है UGC पर। जितनी भी यूनिवर्सिटीज UGC पर लिस्टेड है वो सभी यूनिवर्सिटीज मान्य हैं, या आप कुछ यूं भी समझ सकते हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज UGC पर लिस्टेड है वो सभी यूनिवर्सिटीज मान्य हैं। जितनी सभी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, 52 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं UGC पर, उन्हीं में से एक नाम आता है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का भी। अब आप इस यूनिवर्सिटी को UGC पर चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टाइप कीजिए, सर्च कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही यहाँ पर ये चीज आप डालते हो, एंटर करते हो, यहाँ पर पूरा इंटरफेस UGC का खुल जाएगा। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का पूरा पेज खुल जाएगा, पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पर आप टैब्स में देखेंगे तो वहां यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सभी स्टेट्स के नाम वहां मेंशन आ जाते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं अपने देश में और जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, जो भी स्टेट है। अब जैसे कि ये यूनिवर्सिटी है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये राजस्थान में आती है, तो राजस्थान पर आप क्लिक करें। जैसे ही राजस्थान पर आपने क्लिक किया, अब जो लिस्ट खुल के आपके सामने आई, जिसमें सबसे पहले MET यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है और सेकंड में APEX यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, इसी की टोटल लिस्ट जो 52 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, उन्हीं में से एक नाम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का है, जिसको आप 52वे नंबर सबसे लास्ट में इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये 52वे नंबर पर होना कोई रैंकिंग को दर्शाता नहीं है दोस्तों, ये तो अल्फाबेटिकली जहां V आया तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी का नाम डला है। कोई Y पर आएगा तो उसके बाद आएगा, Z पर आएगा तो भी उसके बाद में आएगा। अब यूनिवर्सिटी बनी है 2012 में, मतलब कि 2 मई 2012 में यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल गई, यूनिवर्सिटी ने एडमिशंस लेना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.vgu.ac.in, क्योंकि ऑनलाइन की वेबसाइट इनकी अलग है। अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास 3 प्रोग्राम्स हैं जो ऑनलाइन में चलते हैं, कौन कौन से हैं वो कोर्सेज, BBA है, BCA है और साथ में ही MBA है। ये 3 प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चलाती है, जिसकी ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट देखोगे, onlinevgu.com के नाम से वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, जो एडमिशंस लेती है। यूनिवर्सिटी नैक एक्रेडिटेड A+ यूनिवर्सिटी है ये। यूनिवर्सिटी 52वें नंबर पर आप देखते हो, ज्यादा जानने के लिए इसको आप मोर डिटेल्स पर क्लिक कर दो। जैसे ही मोर डिटेल्स पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आती है। वाइस चांसलर साहब के बारे में मेंशन है, प्रोफेसर डॉक्टर विजय वीर सिंह जी जो इनका नाम है, वाइस चांसलर साहब का उनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। साथ में रजिस्ट्रार साहब की हम बात करें, डॉक्टर
प्रवीण चौधरी जी और साथ में इनका फोन नंबर मेल आई डी मेंशन है। दोस्तों हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमने इस यूनिवर्सिटी का लगभग 3 साल पहले या 2-3 साल पहले हमने इंटरव्यू किया था वाइस चांसलर के साथ में, रजिस्ट्रार साहब के साथ में ही यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्टर हैं उनके साथ में, वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये थी कुछ यूजीसी पर जो डिटेल्स मेंशन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। दोस्तों पहले आप एक बात समझिए, जब भी कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, सबसे पहले यूजीसी पर उसका लिस्ट होना जरूरी है। यूनिवर्सिटी को यूजीसी मान्यता देता है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है, कोई भी यूनिवर्सिटी चलती है इंडिया में, सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और यूजीसी को देखने वाली है एमएचआरडी, मतलब कि अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब यूनिवर्सिटी जब भी अप्रूवल लेती है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो यूजीसी का एक्ट बोलता है 1956 का एक्ट, उसी के तहत यूनिवर्सिटी को एक मान्यता दी जाती है। जैसे यूनिवर्सिटी ने मान्यता ली तो सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज, साथ में ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और साथ में रिसर्च, जो पीएचडी जिसको आप बोलते हो, उन सब में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है, बाउंड नहीं है। इनका अप्रूवल बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। पर अगर यूनिवर्सिटी चाहती है दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना जिनकी अलग से काउंसिल्स हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को काउंसिल के पास जाना होता है, अप्रूवल लेना होता है। अगर अप्रूवल नहीं लेंगे काउंसिल का तो यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं जिसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो एसोसिएशन है उसकी मेंबर है, साथ में यूजीसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 2012 में यूनिवर्सिटी आई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूनिवर्सिटी को चलने के लिए अप्रूवल दी। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, यूनिवर्सिटी के पास आर्किटेक्चर कोर्स है, बीआर अगर आप करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के पास आर्किटेक्चर काउंसिल का अप्रूवल है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, आप एलएलबी करना चाहते हैं 3 ईयर की या 5 ईयर की, तो इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। साथ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी पीसीआई, मतलब कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, इसमें भी आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि देखा जाए तो कोर्सेज काफी सारे हैं। कोर्सेज की अगर आप बात करें तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग जो कोर्सेज होते हैं ये करवाती है। जैसे मैंने आपको पहले कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज मतलब चलती हैं, यूनिवर्सिटीज को एआईसीटीई की मान्यता की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी ऐसे ही डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक में एडमिशन ले सकती है। दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं, ऑनलाइन पर हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, क्या फीस होती है और भी बहुत कुछ बताएंगे विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में, उस वीडियो का आप इंतजार करना। साथ में फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है, साथ में ही फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, आप यूनिवर्सिटी से बीसीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के पास आर्किटेक्चर का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी के पास बीआरपी कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ डिजाइन, आप यूनिवर्सिटी से जैसे बी डिजाइन कोर्स बहुत ज्यादा चलता है वो कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी 3 साल की 5 साल की आप एलएलबी करें, लॉ कर लें, आप एलएलएम भी कर सकते हैं। साथ में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं, हालांकि देखा जाए तो ऑनलाइन में यूनिवर्सिटी की फीस फिर भी थोड़ी कम है, लगभग 1.25 लाख फीस पड़ती है 2 साल की। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यही कोर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में रेगुलर में, तो 2 लाख रुपए पर ईयर की फीस है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी बोलती है कि मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा चलता है, अच्छी फैकल्टीज हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, इसीलिए फीस थोड़ी ज्यादा है। हालांकि वहीं जयपुर में ही यूनिवर्सिटी के आसपास ही दूसरी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटी की फीस एमबीए 1.5 लाख पर ईयर भी है, 1 लाख पर ईयर भी है, बट इस यूनिवर्सिटी के पास खास है क्योंकि फैकल्टीज के बदौलत ही यूनिवर्सिटी इतनी फीस ले पाती है। साथ में फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड नर्सिंग, यूनिवर्सिटी के पास मतलब यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है नर्सिंग से रिलेटेड, और फार्मास्यूटिकल, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में ही फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट पर हमने काफी सारी वीडियोस दोस्तों बनाई है होटल मैनेजमेंट के लिए, और भी कई यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने जिक्र किया है अपनी वीडियोस में, आप उन यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप जाकर स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज चलते हैं जैसे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, आप करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, ये कोर्स भी आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। साथ में ही फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन
ले सकते हैं, और जो ऑनलाइन चलते हैं जो कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के पास, उस पर हम सेपरेट एक वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत कुछ बताएंगे। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से, किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे आप एडमिशन लें, यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करना चाहिए, हॉस्टल्स देखने चाहिए, फैकल्टी मेंबर्स से भी मिलना चाहिए, साथ में हो सके तो हमारे स्टूडेंट्स से जाके मिलें, ताकि सभी तरह के डाउट्स आपके क्लियर हो सके। एडमिशन लेना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप हमारी कोई भी मदद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, या हमें व्हाट्सएप करें, या फिर आप हमें इंक्वायरी छोड़ें अपनी, जो हमने लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर भी आप इंक्वायरी दे सकते हैं, हम आपको कॉल जरूर करेंगे और आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर हम जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने जाना होगा विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे सवाल जरूर पूछें, और हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएं, आप क्या जानना चाहते हो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।